हाँ जी, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट की कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन के साथ न्यू एडिटर खोल लेते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर और उसके बाद MyDB इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट उसके बाद राउंड ब्रेसिस में होस्ट को डिफाइन करते हैं, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट पासवर्ड यूजर इज इक्वल टू रूट पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक और डाटाबेस इज इक्वल टू बैंक और यहां पर सब में कॉमास लगा देते हैं। ओके, बाहर आते हैं। अब यहां पर अपना कर्सर डिफाइन करते हैं, माई कर्सर। माई कर्सर इज इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर उसके बाद क्यूरी लगाते हैं, एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम कस्टमर देयर आईडी इज इक्वल टू परसेंटेज एस उसके बाद वैल्यू देते हैं, वैल्यूज इज इक्वल टू और वैल्यूज में आईडी दे देते हैं, वेरिएबल एक आईडी दे देते हैं आईडी और यहां पर इनपुट करवाते हैं एंटर द रिकॉर्ड आईडी टू बी डिलीट। और इसको आईडी नाम के वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। ओके, और उसके बाद माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहां पर एसक्यूएल कॉमा वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं और माई डीबी को कमिट कर देते हैं, उसके बाद प्रिंट करवाते हैं जो माई कर्सर है डॉट रो काउंट कॉमा रिकॉर्ड्स डिलीटेड। तो ये स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी, इसको सेव कर लेते हैं। डिलीट रिकॉर्ड रन करते हैं और यहां पर एरर आया बैंक नाम का, डाटाबेस बैंक, डाटाबेस बैंक, ओ सॉरी इसको डबल कोट्स में लिखना था। रन करते हैं, एंटर द रो आईडी टू बी डिलीट, तो यहां पर मैं डाल देता हूं 7 नंबर, एंटर। अब देखते हैं वन रो डिलीटेड, अब देखते हैं ये क्या हुआ, डाटाबेस कहाँ है हमारा, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन बैंक कस्टमर्स जो 7 आईडी थी यहां से वो डिलीट हो चुकी है अभी। ठीक है, इसको दोबारा से रन करते हैं और यहां पर ये एंटर्ड आईडी इज इक्वल टू, ये क्या चीज आई, 7 एंटर्ड आईडी इज इक्वल टू
चलो दोबारा से रन करते हैं इसको। अब डाल देते हैं F5, एंटर, रो डिलीटेड। ठीक है, वन रो डिलीटेड। अब आते हैं यहाँ पर अपने डाटाबेस में, तो 5 नंबर की आईडी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डाटाबेस में से रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो व्यूवर्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो हमारे वीडियोज़ को प्रमोट करेगा नहीं है, एकेडमिक जो भी वीडियोज़ होते हैं। तो अब आपके ऊपर ही है, अगर आप ऐसे ही लाइक कर दोगे इसको तो फिर ऐसे ही आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और भी वीडियोज़ आएंगे। ओके, थैंक यू।